Welcome all of you once again. So our today's topic is advertisement. In this video we are going to cover the features and advantages of advertisement and of course the meaning of advertisement. So let's get started. Okay, so what is advertisement? हम बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं कि टीवी पे ऐड आ रहा है या ये एडवर्टाइज प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट का मैंने ऐड देखा है. होता क्या है एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट बेसिकली एक वे है या एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अट्रैक्ट करते हैं हमारे कंज्यूमर्स की अटेंशन को किसी भी प्रोडक्ट की तरफ. जब हमें अपने कस्टमर्स की अटेंशन को ग्रैब करना है तो हम उस जो टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं ऐसा करने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है. लाइन एक बेसिक सी टर्म में क्या है एडवर्टाइजमेंट मींस अपने कंज्यूमर्स के माइंड को अपने प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट करना ताकि वो प्रोडक्ट हमारा पॉपुलर हो जाए और पॉपुलर होने के बाद हमें उसमें सेल्स मिलनी स्टार्ट हो जाए. ऑब्वियसली सेल्स मिलेंगी तो कंपनी को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए. तो कंपनी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है. और एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है कि कस्टमर्स की माइंड को अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट के थ्रू. बेसिक जनरल से सेंस में यही इसका मीनिंग होता है एडवर्टाइजमेंट का. ओके, एडवर्टाइजमेंट इज बेसिकली अ पेड फॉर्म ऑफ यू नो प्रेजेंटेशन. पेड फॉर्म होती है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें पैसा देना पड़ता है एंड दिस इज नॉन पर्सनल एज वेल. नॉन पर्सनल मतलब हम पर्सनली चाह चाह के जब हम करते हैं उसको हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं. जब हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं या डोर टू डोर जब सेलिंग करते हैं तो उसको हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं. एडवर्टाइजमेंट क्या है? नॉन पर्सनल है. नॉन पर्सनल मतलब जहाँ पे हमारा इंटरेक्शन जो है वो हमारे कंज्यूमर्स के साथ नहीं होता. जब हम टीवी पे ऐड देखते हैं तो वो सिर्फ वहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं, हमारे साथ पर्सनली कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे. तो दैट इज़ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. राइट, ओके. नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. अभी मैंने जैसे बताया है कि पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजमेंट हमेशा पेड फॉर्म होती है. फ्री में तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देता ना. एडवर्टाइजमेंट देने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज हैं या जो एडवर्टाइजमेंट को बना रही है वो कितना पैसा चार्ज करती हैं. तो कंपनी को बहुत अमाउंट पे करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट को देने के लिए. बट अगेन वो चाहे ये पेड फॉर्म है लेकिन इसकी वजह से कंपनी बहुत पैसा अर्न भी करती है. तो इसलिए वो पैसा उनको वेस्ट नहीं लगता, उससे वो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं. इट इज़ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. अभी मैंने जैसे इसको भी स्पेसिफाई किया ही था कि नॉन पर्सनल होता है मतलब इसमें कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता. अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो डाउट आपका डाउट ही रह जाएगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. पर्सनल अगर मैं किसी से मिलूंगी तो मैं अपने डाउट्स को वहाँ पे उनसे पूछ सकती हूँ, क्लियर कर सकती हूँ. लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे जो डाउट्स होते हैं वो हमारे डाउट्स ही रह जाते हैं क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे सिर्फ हमें ऐड दिखा दिया जाता है, हम उसको देखते हैं और उसको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं. तो दिस इज नॉन पर्सनल, जहाँ पे पर्सनली कंज्यूमर्स और जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर्स है वो इंटरेक्ट नहीं करते. थर्ड इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. कोई भी एक स्पॉन्सर होता है ऐड को देने वाला, ऑब्वियसली कोई तो पर्सन होगा जो ऐड को दे रहा है. तो हमें उसमें पता होता है कि ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है और कौन से प्रोडक्ट की हम ऐड देख रहे हैं. तो देर इज़ अ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर जो उस ऐड को देता है और वही तो उसके पैसे भी पे कर रहा है. सो नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आती है. हमें पता चलता है कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे इसको यूज़ करना है या ये प्रोडक्ट कितने का है या वट एवर. सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही मिलती है. बिल्ड्स गुडविल. हम जनरली देखते हैं कि कई बार हम जब कोई भी आउटलेट में जाते हैं हमारे सामने दो प्रोडक्ट्स पड़े हैं तो हमें क्या लगता है, एक प्रोडक्ट की हमने ऐड देखी है एक की नहीं देखी, तो हमें क्या लगता है ये प्रोडक्ट के बारे में कभी सुना तो नहीं है, कभी देखा तो नहीं है, तो ये प्रोडक्ट पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा. इस प्रोडक्ट की मैंने ऐड देखी है, ये पर्सन इसको ऐड करता है या ये इसकी एडवर्टाइजमेंट ये इस चैनल पर आती है, तो तभी हमारे दिमाग में आता है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा होगा या जेन्युइन होगा या जिसमें हम फेथ कर सकते हैं. तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही कंपनी की गुडविल भी रेज होती है. ऑब्वियसली अगर वो प्रोडक्ट अच्छा निकलता है, मैंने उसे यूज़ किया मुझे अच्छा लगा, तो फिर उससे होता है उनको रेपुटेशन भी मिलती है. तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से कंपनी की गुडविल भी जनरेट होती है. प्रोवाइड अवेयरनेस. अगेन द सेम पॉइंट कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें अवेयरनेस मिलती है, हमें नॉलेज मिलती है, हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स आ चुके हैं. चाहे मैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं भी कर रही बट फिर भी मुझे अवेयरनेस तो आ रही है, फिर भी मुझे पता तो चल रहा है कि ये सब मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी होते हैं, ये सब मार्केट में है भी, ऐसे ऐसे चीज़ें भी मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं. नेक्स्ट इज पर्सुएट कस्टमर्स. कस्टमर्स को पर्सुएट करता है हम. देखो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई भी कंपनी
कंपनी हमें फोर्स नहीं कर सकती कि ये प्रोडक्ट आपको लेना ही लेना है, बट वो हमें परसुएट कर सकती है. परसुएट इन द सेंस कि वो हमारे अंदर एक विश को अराइज करती है, हमारे अंदर एक डिज़ायर को अराइज करती है कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए. चाहे आज तक मुझे उस प्रोडक्ट की नीड नहीं भी लगी थी, बट मैंने टीवी पर उसका ऐड देख लिया तो मेरे दिमाग में आ गया हाँ ये प्रोडक्ट मैं ले लूँगी तो मेरा ये काम इससे ईजी हो सकता है. दैट मीन एडवर्टाइजमेंट हमें परसुएट करती है, हमारे अंदर एक विश को क्रिएट करती है या डिज़ायर को क्रिएट करती है, जिससे हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारी नीड का है या हमें लेना है. दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. मेक्स कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स टू फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन. तो अगर मैं एडवर्टाइजमेंट दे रही हूँ तो बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, है ना. अगर मैं टीवी पे ऐड दे रही हूँ तो ऑब्वियसली पूरा इंडिया उसको देख रहा है. तो जहाँ पूरे हम मास कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पे फिर हमारे पास डिमांड भी बहुत बहुत जगह से आ रही होगी. जब मेरे पास डिमांड बहुत सारी आ रही है तो मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर सकती हूँ. डिमांड आ रही है तो ही तो बहुत प्रोडक्शन करूँगी, तो ही तो सेल होगी. अगर डिमांड ही नहीं है तो फिर प्रोडक्शन कैसे करूँगी, लिमिटेड सा प्रोडक्शन ही करूँगी. अगर सपोज मैं बोलूँगी मैं ऐड नहीं दे रही तो मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी नेबर सबको तो बता दूँगी कि मैं ये प्रोडक्ट बनाती हूँ, ये प्रोडक्ट आप मुझसे ले सकते हो, लेकिन दूर तक कैसे बताऊँगी, दूर से कैसे मेरे पास डिमांड आएगी. तो मैं थोड़ा ही प्रोडक्शन करूँगी, लिमिटेड सा सामान ही लाऊंगी और लिमिटेड सा सामान ही अपनी शॉप पर रख के उसको सेल करूँगी, है ना. लेकिन जब हम ऐड देते हैं तो उससे क्या होता है, हम उसको लार्ज लेवल तक कम्युनिकेट कर पाते हैं, मास कम्युनिकेट कर पाते हैं. और मास कम्युनिकेट करने की वजह से हमारे पास जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाती है. उसकी वजह से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, मतलब बड़े लेवल पर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. और ये तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन से क्या होता है, हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलता है, मतलब हमारी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती रहती है. तो इसलिए हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम आने लग जाती है. नेक्स्ट इज क्रिएट डिमांड. ऑब्वियसली हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो डिमांड तो बढ़ेगी, लोग उसको देखेंगे, लोग उसको देंगे देखेंगे तो उसको डिमांड भी करने लगेंगे, उसकी विश भी उनके अंदर अराइज होगी और विश को पूरा करने के लिए वो उसको परचेज भी करना स्टार्ट कर देंगे. तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट देने से हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है. एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही हमारे प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है, हमारी जो कंपनी की रेपुटेशन है, जो इमेज है वो भी बिल्ड होती है. तो इट बिल्ड्स द रेपुटेशन या इट बिल्ड्स इमेज ऑफ अवर कंपनी. हमारी कंपनी की इमेज को बढ़ाता है, हमारी रेपुटेशन को बढ़ाता है. रिड्यूस लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसको हटा देना, रॉन्ग पॉइंट हो गया. एंश्योर सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग. कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में, या फिर मैं बोलूँ कि कंपटीशन में सर्वाइव करना तभी पॉसिबल है जब हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में रीनोन होंगे, लोग उसको जानते होंगे, लोग उसको यूज़ करना पसंद करेंगे, है ना. तो अगर हम ऐड देंगे तभी तो लोग उसको जानेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है. अदरवाइज तो लोग हमारे प्रोडक्ट को इग्नोर कर देंगे, सारे जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कंपटीटिव प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइज प्रोडक्ट हैं, क्योंकि उस पर फिर उनका फेथ ज़्यादा हो जाता है इसलिए. तो अगर हमें कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो हमें हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना मस्ट हो गया, जरूरी हो गया. एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है. अब एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलती है, सपोज मैं बोलूँ कि मैं एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज होती हैं उसमें काम कर रही हूँ, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ काम मिला हुआ. एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं तो उसमें कितने सारे लोग देखो काम कर रहे हैं, कोई शूट कर रहा है उसको, है ना, कोई उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा है, या कोई उसको एडवर्टाइजमेंट को बना रहा है, या उसमें कोई भी ग्राफिक्स डाल रहा है, हर काम उसमें अलग अलग पर्सन कर रहा है. तो उतने सारे लोगों को जॉब्स भी तो मिली हुई है इसकी वजह से. इसका मतलब तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से बहुत लोगों को जॉब भी मिलती है, जो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में उसमें एंगेज होते हैं. ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी तो तभी ग्रो होगी जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, है ना. तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से इकोनॉमी भी हमारी ग्रो करती है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों का वे ऑफ लिविंग रेज होता है. हम अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज हो रहा है. इसका मतलब जहाँ हमारे पास अवेयरनेस आ रही है वहाँ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा है. तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर रेज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिव तरीके से. तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है. एंड इट हेल्प्स टू प्रमोट न्यू प्रोडक्ट्स. हमारे जो कंपनी के नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं उसको कैसे कंपनी हमारे तक इन्फॉर्मेशन देगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट इज द मेन सोर्स जिसके थ्रू वो हमें बताती है कि ये प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, या कोई भी रीनोन चाहे कंपनी हो. अब जैसे आईफोन आता है तो वो कैसे हमें पता चलता है कि न्यू एक इसका एक सीरीज आ गया है, या न्यू आईफोन मार्केट में लॉन्च हो गया, वो हमें कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट. वो एडवर्टाइज देते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ जो नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट पार्ट है या जो उसका नेक्स्ट अभी प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो गया. तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही हमें पता चलता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में न्यू लॉन्च हो रहे हैं. राइट, तो होप इम्पॉर्टेंस फीचर्स और मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद अनदर टॉपिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट. टिल देन टेक केयर, बी सेफ. थैंक यू फॉर लिसनिंग.